तो सभी देवी और सज्जनों का नमस्कार। अहम मुकुल अस्ति, अहम मुकुल अस्मी, अस्मी मैं मुकुल हूँ, यह महेश या ममस, ये मेरी ममस्ती क्या बोलेंगे, क्या था भूल गए संस्कृत, बताओ क्या बोलेंगे आप तो बोधी टीचर, मम माता अस्ति, अस्मी या अस्ति, नहीं मैं के साथ अस्मी लगे और अगर ये है तो अस्ति लगे। चलो खैर, तो स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल, ये अपने व्हील्स जिनके थ्रू हम जा रहे हैं श्री खाटू श्याम मंदिर मुजफ्फरनगर, जो हमारे मुजफ्फरनगर नरेश हैं उनका संकीर्तन है। बहुत बड़ा रीजन हमें नहीं पता क्या रीजन है होने का, पता नहीं आज क्या बात है, आज एकादशी है, पर मुजफ्फरनगर के लोग बहुत दिल फेक हैं और बहुत वो है समर्थ भगवान की दया से, तो वो आए दिन कुछ अवसर ना भी हो तब भी वो ऐसे संकीर्तन कराते रहते, संकीर्तन भंडारे सब होता रहता है, आस्तिक है, आस्तिक आस्तिक तो है ही, पर भगवान की दया से वो समर्थ भी है तो ऐसा होता रहता है यहाँ पे। हाँ। बाकी जाके देखते क्या पता, सामर्थ्यवान भी है और आस्तिक भी है। कौन से वन, सामर्थ्यवान, क्या बात है। तो बाकी जाके देखते क्या पता कुछ अवसर और हमें ना पता हो। और दो तीन आर्टिस्ट आ रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, एक तो अपने शहर के ही हैं मयंक धीमान जी, जो अपने मुजफ्फरनगर की शान है, वो बढ़िया मौज बांध देते हैं संकीर्तन में। तो बाकी सब आ रहे हैं, सबको जाके वहीं देखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलते हैं अभी से बात पे खाटू श्याम महाराज की। जय। ये पहुंच गए थे मंदिर के बाहर, गाड़ी पार्क करी, थोड़ा सा लेट हो गए हम, टाइम तो 7 बजे का, बज रहे हैं 8। और मेरे ख्याल से इतना मुझे अभी रियलाइज हुआ शायद इसलिए हो रहा है संकीर्तन के वहां पे रिंगस में, जहां मेन खाटू श्याम मंदिर है बाबा का, वहाँ पर आज कपाट खुले हैं कुछ 80 दिन बाद कोर्ट की मंजूरी से। आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, वही देख रहा हूँ मैं भी, क्या पता बीच में वो चल रहा हूँ ब्रेक संकीर्तन में, नहीं आज का है 6 तारीख पक्का था, फोन आया था मेरे पास, शायद इसलिए उस ओकेजन में हो रहा होगा, बाकी देखते हैं चल के। बहुत शांति है। तो भैया थोड़ा कन्फ्यूजन था, जो संकीर्तन है वो आज ही है पर मेन मंदिर पे नहीं, अपने मैं अपने मंदिर पे आया तो मम्मी कह रही है कि प्रसाद चढ़ा देते हैं और दर्शन कर लेते हैं, पर संकीर्तन है ये आपका पीछे भरते कॉलोनी में एक और जगह है जहाँ मैं आज तक गया नहीं, तो वहाँ पे अभी फटाफट यहाँ से प्रसाद चढ़ा के वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि संकीर्तन में चल क्या रहा है। पर गौतम डाउट हो गया था, मैंने कहा क्या हो गया, पहली बार मैंने इतनी शांति देखी वो भी 6 तारीख जब लिखा हुआ था, बट अब मैंने पूछा पता करा पता चला कि पीछे की साइड है। फायदा था अगले संकीर्तन का, अच्छा नहीं बालाजी जन्मोत्सव मेला इसका भी लग गया पोस्टर, इसमें आ रहे हैं सुशील गर्ग बाबा का दीवाना, विशाल जागरण है 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को विशाल भंडारा। तो जी यहाँ से निकल ही रहे थे पीछे की तरफ जहाँ पे संकीर्तन है, तो यहाँ पे सर मिल गए अपने, आपका नाम सर राजेश वर्मा, फेसबुक पे मैं राजेश सावर के नाम से। अच्छा, ये सब्सक्राइबर में वीडियोस भी देखते हो ना, अच्छी लगती है वीडियो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और सर ने बताया कि इनका एक एक वो है बिजनेस, तो उसमें क्या होता है बताना सर। मैं डिवोशनल कार्यक्रम करता हूँ, श्री जी जागरण पार्टी के नाम से मेरी पार्टी। अच्छा। मैं टोटल कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम हो जिसमें माँ भगवती जागरण, माता की चौकी, खाटू श्याम भजन संध्या इत्यादि सारे संकीर्तन सभी भजन संध्या जो है वो ये भैया कराते हैं, अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे भी कराना है वो भी हो जाएगा ना। हाँ, मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं, इनका जो नंबर वगैरह कार्ड है वो मैं यही डाल दूंगा, साइड में आ रहा होगा, नंबर पे कॉल कर लेना और सीधा बात कर लेना भैया से। अच्छा लगा सर, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये अपना मंदिर प्रांगण है पर यहाँ पे अभी रोज संकीर्तन होता है छोटा, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे आ सकते हो कभी भी, ये तो होता है रोज डेली, सब लोग अपना मिलकर करते हैं। तो भैया यहाँ पे दर्शन करके और अब आगे देखते हैं कि आगे कहाँ पे है वो, वहां तो मैं भी नहीं गया, और तो कुछ गलत नहीं हुआ क्योंकि शायद बाबा शाम चाहते थे कि आप यहाँ मत्था टेके पहले, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आई ना। हाँ, मैं तो अनेक बहुत कई दिन से बोलता मैंने कह रही थी एकादशी ना, हम पहले यहाँ आए 4-5 दिन से कर रही मैं, अब ढूंढते हैं कि आगे कहाँ है, बढ़ते कॉलोनी में, लेकिन वो भी जीत रहे हैं भाई, बढ़ते कॉलोनी में है कि मंदिर है, मैदान है, क्या है, मिल गया जी, पीछे मंदिर के पास ही है, ये लगी हुई लाइट्स वगैरह, बड़ा प्रोग्राम है मतलब आज भैया, आज तो आप बैठोगे मेरे ख्याल से बहुत देर तक यहाँ। अभी लकीली स्टार्ट नहीं हुआ संकीर्तन, अभी होने वाला है और इतना बढ़िया एंट्री बना रखी है, ये देखो क्या बढ़िया बना रखा है। यहाँ चल रहा है भैया बढ़िया खाना, बढ़िया करके खाना वाना फुल सिस्टम लगा रखा है, और अंदर बर्थडे पार्टी के लिए और की सजावट, इधर है मेन पंडाल जो मैंने आपको दिखाया। ये संकीर्तन चल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से,
और दो तीन आर्टिस्ट हैं जो आने हैं मेन। एक आर्टिस्ट हैं दीपक जी जो आ रखे थे कलकत्ता से, तो उनका वेट हो रहा है, वो आने वाले हैं अभी। और बाकी आपने देख लिया हो कितना बढ़िया सजाया हुआ है। और जो ये संकीर्तन हो रहा है, गौरव जी हैं, उनका मेरे पास कॉल आया था और मुझे याद नहीं आ रही थी, बस मुझे लगा कि मंदिर में है, तो उनका मेरे पास कॉल आया था। अब मैं उनको जानते नहीं बाई फेस, अब मिलूंगा तो आपको ही मिलाऊंगा, मैं ही मिलूंगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया था, मुझे पता चला कि शायद ये किसी का बर्थडे है यहाँ पे बच्चे का, उसके उपलक्ष्य में ये संकीर्तन हो रहा है। अब भीड़ भी लगी, बड़े भीड़ लगी है और दीपक जी आ गए हैं। कि तेरा मंदिर भी तैयार और यहाँ हम मेरी पलकों का घर तैयार, मेरी पलकों का तैयार, एक सहारे आशा तेरा नाच पुकारे आशा, एक सहारे आशा तेरा नाच पुकारे। तो बच्चे का बर्थडे तो बता रहा था, केक आ चुका है, तो ठीक है, उन्होंने कोशिश की और बोली हारे के सहारे की शाम प्यारे की जय हो। पीछे मुड़ के देखो और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको क्यों नहीं लग रही है, इसमें तो छूना भी नहीं पड़ता। तीसरा 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 तिरछी नजर का जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमारे बोले फंडर लोग बहुत खुले दिल के हैं, उसका एग्जांपल आपने देखा होगा अभी। जब तक चलेगा कीर्तन तब तक चलेगा खाना। यहाँ बन रहा है देखो, भट्टी लगा रखी पूरी बड़े वाली, खाना बन रहा है नॉन स्टॉप, पूरियाँ चावल उधर पूरे तले जा रही हैं, उधर सब्जियाँ बन रही हैं, हर बार आ रहे हैं इसको भर के ले जा रहे हैं।
और आगे बट्टी वहाँ भी लगी हुई है। इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि मुजफ्फरनगर के लोग बहुत खुले दिल के हैं। मैं तो ये बोलूँगा सब कुछ श्याम बाबा इतना ही थे कि ऐसी संकीर्तन और ऐसी भंडारे और ऐसी पूजन और ऐसे सांस्कृतिक कार्य होते रहे हमारे मुजफ्फरनगर में। अंदर तो बहुत तेज आवाज आ रही है इसलिए अंदर बात नहीं कर पा रहा था, और जिन्होंने मुझे बुलाया था उनसे मिला, बट अंदर बहुत आवाज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए और आपकी बच्ची को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाबा करे कि आप और ऐसे संकीर्तन कराते रहो और सबको ऐसे बुलाते रहो। भैया संकीर्तन से निकल गए और आपने देख लिया जो मैंने लास्ट में देखा है कि जो मैं पहले करता हमारे मुजफ्फरनगर के लोग बहुत खुले दिल के होते हैं। खाना चल रहा है, जब तक संकीर्तन चलेगा तब तक खाना चलेगा नॉन स्टॉप, और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लिमिटेड है, मंदिर के बाहर बहुत दिन से पोस्टर लगा हुआ था कि जिसको आना है। तो पूजा पाठ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो हम सोच रहे थे स्टार्टिंग है कि क्या आज क्या है ऐसा। जो है गौरव जी उनकी लड़की का जन्मदिन था, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बेटी का था, छोटी बच्ची का, तो मजा आ गया बाकी। बट बात यह है कि जो सिंगर आए हुए थे राहुल जी उन्होंने बढ़िया कर रहे थे, बट क्या है कि उन्होंने बहुत देर तक स्टेज लिया हुआ है, तो बाकी वालों को हम एक और आनी थी बाहर की, कहाँ से आई है, समस्तीपुर से रेशमी शर्मा जी, उनको हम देख नहीं पाए क्योंकि इन्होंने बहुत देर स्टेज लिया हुआ है और फिर हमें हो रहा था लेट, मुझे करना ऑफिस का काम, तो मम्मी को भी जाके सोना है। क्या बताने थे अपने मैंग दीवान जी, उनको तो मैं हमेशा देख के जाता हूँ बट आज थोड़ा मैं जल्दी में हूँ इसलिए उनको भी देख नहीं पाया। भैया संकीर्तन हो गया और छोटे बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और फागुन का महीना भी साथ में मनाया गया क्योंकि फागुन स्टार्ट हो चुका है, तो फूलों से होली खेल के आपने देखा होगा वो मनाया गया, बड़ा मजा आया संकीर्तन में। और एक बात, मैंने जस्ट अभी ब्लॉग एडिट करा है, अभी संकीर्तन से आने के बाद मैंने ऑफिस का काम किया, उसके बाद मैंने जस्ट अभी ब्लॉग एडिट किया है, एडिट करते मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी जो असली आवाज है संकीर्तन की मैंने वही डाली है इस बार, क्योंकि हमेशा मैं जो मैंने आज तक के ब्लॉग बनाए संकीर्तन के उसमें मैं पीछे गाना डाल देता हूँ, मतलब जो वहाँ पे होता है वहाँ बहुत शोर होता है ना, तो उसको हटा के कोई गाना डाल देता हूँ तो आपको तब भी अच्छा लगता है, बट स्टिल इस बार मैंने कुछ नया ट्राई करा है क्योंकि एडिट करते हुए मुझे खुद को वीडियो देखते हुए इतने अच्छा फील हुआ, मतलब इतनी एनर्जी थी वहाँ पे लोगों में कि एडिट करते हुए वीडियोस को देखते हुए मुझे अभी तक वो एनर्जी फील होती है कि जैसे मैं अभी भी संकीर्तन में हूँ, तो मैंने इसलिए फिर असली आवाज डाली है। तो अगर आपको ऐसे संकीर्तन देखने में असली आवाज के साथ देखने में मजा आया, असली जयकारों के साथ, असली आवाज के साथ, तो जरूर नीचे लिख के बताना जिससे कि मैं अगली बार भी ऐसे ही ब्लॉग बनाऊं। तो अभी के लिए लेट बहुत हो गया है, पूरा शहर मेरे हिसाब से सो चुका होगा, बस खाली मैं जगा हुआ हूं तो मैं भी सोता हूं, तो फिर इसलिए इस ब्लॉग का डिपेंड करता है। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, और जितना हो सके इस ब्लॉग को व्हाट्सएप, फेसबुक या अपने किसी भी ग्रुप पर शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।